आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल रायता। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजना। होम किचन में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है शादियों में बनने वाला तड़के वाला टेस्टी बूंदी का रायता। ये तड़का देगा इस रायते को एक यूनिक टेस्ट। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। टेस्टी तड़के वाला रायता बनाने के लिए ये मैंने लिया है घर का बना हुआ दही। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इस बाउल पर रखेंगे हम एक स्ट्रेनर और इस दही को हम छान लेंगे ताकि दही की हमें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल सके। और थोड़ा सा पानी डालकर इस दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद इस दही को हम रख देंगे साइड में और आगे का हम स्टेप शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें हम लेंगे गर्म पानी। इस गर्म पानी में हम बूंदी को सोक करेंगे। 10 से 15 मिनट तक इस गर्म पानी में हम बूंदी को सोक करेंगे ताकि बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दस से पंद्रह मिनट में ये बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाने के बाद इसके पानी को हम अलग कर लेंगे। इसके लिए एक स्ट्रेनर में हम इसे छान लेंगे। पानी निकालने के बाद इस बूंदी को हम ठंडा होने देंगे। बूंदी के ठंडा होने के बाद इसे हम दही में डाल देंगे। बूंदी और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस दही में हम डालेंगे कुछ मसाले। आधा छोटा चम्मच लेंगे काला नमक, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे भुना पिसा हुआ जीरा, चौथाई छोटा चम्मच हम लेंगे काली मिर्च पाउडर और चौथाई छोटा चम्मच हम इसमें लेंगे चाट मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इस दही को रख देंगे हम साइड में और अब हम बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए स्लो फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम लेंगे एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसी में हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा, चुटके भर डालेंगे हींग पाउडर और दो इसमें हम डालेंगे साबुत सूखी हुई लाल मिर्चें और इस तड़के को हम डाल देंगे इस रायते के ऊपर। ऊपर से डालेंगे भुना पिसा हुआ जीरा और धनिया पत्ती से इस रायते की हम गार्निश करेंगे। इस तरह से लगाया गया तड़का बूंदी के रायते को एक यूनिक टेस्ट देता है। शादियों में जो रायता बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।